अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। डेली रूटीन बाय रिजवाना गब्बल में आप सबको वेलकम है जी। तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर टच करना, ताकि जो मेरी अगली वीडियो आए इसकी आपकी नोटिफिकेशन आए। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कर देना और एक शेयर भी कर देना। तो मैरिज से आने के बाद सब काम तो हो गए थे, कपड़े वगैरह भी सब धो लिए हैं और प्रेस भी करके रख लिए हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि किचन को थोड़ा क्लीन कर लूँ, क्योंकि रमज़ान महीना भी आने वाला है अभी। तो थोड़े जो हम खाना बनाते हैं तो बर्तन तो साफ तो हो जाते हैं, प्लेटफॉर्म भी रोज़ धो के साफ कर लेते हैं, लेकिन जो मसाले के डिब्बे होते हैं वो चिकनाहट हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो आप थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं किचन की। तो चलिए चलते हैं, आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ किचन क्लीनिंग का। तो देखिए यहाँ पे मैंने किचन एकदम खाली कर लिया है, जो मसाले के डिब्बे थे वो सब मैंने खाली कर लिए हैं और बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए हैं और अभी इन्हें मैं मांझ लूँगी। तो अभी मसाले के डिब्बे वगैरह ही मैंने सब निकाल लिए हैं और जो स्टैंड था उसके बर्तन नहीं निकाले, क्योंकि रोज़ की सफाई होती है तो बर्तन तो रोज साफ़ हो ही जाते हैं। देखिए यहाँ से मैंने ये सब खाली कर लिया है, स्टैंड वगैरह। और ये आलू भी मुझे सब रखने हैं, मेरे हस्बैंड रात में ही ले के आए थे। तो देखिए यहाँ सब धोना है मुझे, साफ करनी है। और ये थोड़ी सब्जी बची हुई है और थोड़ी मैं दोपहर में बना लूँगी। तो सुबह मेरे हस्बैंड जाते हैं तो उनका टिफ़िन बॉक्स बनाती हूँ, तो इसमें से थोड़ी सब्जी बच जाती है, तो दोपहर में थोड़ी ही बनानी होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सब क्लीन कर लिया है, और टाइल्स और प्लेटफॉर्म है, गैस है, सब मैंने साफ़ कर लिया है, धो के एकदम क्लीन कर लिया है। अभी थोड़ी देर इन्हें सुखाने दूंगी। और यहाँ पे बर्तन भी मैंने सब मांज लिए हैं, तो अभी इन्हें मैं थोड़ा सूखने दूंगी और फिर इन मसालों के डिब्बे जो मैंने खाली किए हुए थे इन्हें भर लूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टैंड लगा दिया है, तो मसाले के जो डिब्बे थे उन्हें मैंने थोड़ी धूप में रख दिया था तो वो एकदम क्लीन हो गए थे। तो फिर मैंने इन्हें सब मसाले के डिब्बे भर लिए और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टैंड जमा लिया और सब डिब्बे मैंने रख लिए हैं। और प्लेटफॉर्म वगैरह सब गैस मैंने साफ़ कर लिया है और धो लिया, एकदम क्लीन कर लिया है। और देखिए यहाँ पे मैंने सब डिब्बे जमा लिए हैं, मसाले वगैरह इसमें भर लिए हैं और सब एकदम क्लीन हो गया है। तो किचन गंदा हो तो ज़रा भी मुझे तो अच्छा नहीं लगता, ऐसे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे भाई बाहर गए हुए थे काम से, तो यहाँ पे भाभी और मसूदा आए हुए थे, तो मैंने कहा खाना खा के जाना। तो हमने यहाँ पे बोला कि क्या खाना है, तो मसूदा बोले कि मुझे आलू के पराठे खाने हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिए और आटा भी देखिए गूंद लिया है और आलूओं को मैश कर लिया है, और हरा धनिया भी मैंने कट कर लिया है, और अदरक है वो भी मैंने कूट लिया है, और हरी मिर्च भी मैंने कट कर ली है। तो देखिए यहाँ पर मैं अब आलूओं का वघार करूँगी, तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जितना ऑयल ले लिया है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है, और उस कसूरी मेथी को तड़कने देंगे और इसके बाद हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। और मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च डाल दी है, तो गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद ही हमें लाल मिर्च डालनी है, नहीं तो लाल मिर्च जल भी सकती है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने तड़का दिया है आलू को, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं पराठे में, इस तरह से थोड़ा थोड़ा कुछ भी वेरिएशन करते रहें तो टेस्टी भी लगता है खाना और मज़ा भी आता है और सबको पसंद भी आता है। तो एक जैसा खाना हो तो सब घर वाले बोर हो जाते हैं, तो सोचा कि कुछ अलग रीत से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया है और हल्दी पाउडर भी डाल दिया है, आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1 छोटी चम्मच भर के मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर लिया है, ताकि इसका स्वाद टेस्ट जो होता है वो अच्छा है, खट्टे वाला थोड़ा। और देखिए यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च कट की हुई थी वो भी मैंने डाल दी है, और हरा धनिया मैंने लिया था वो भी डाल दूंगी इसमें, तो अदरक भी मैंने इसमें डाल दिया है कूटा हुआ है, 1 टुकड़ा था जो मैंने इसे कूट लिया था बारीक और इसमें डाल दिया है, और हरा धनिया डाल के अब इसमें हम सब मसाले को आलू में मिक्स कर लेंगे और पराठे का हम जो बैटर है वो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए सब मिक्स कर लेंगे मसाले आलूओं में, तो इसमें कसूरी मेथी का स्वाद इतना अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे
हमारा बेटर एकदम कंप्लीट हो गया है। तो भाभी बोले कि चलो मैं बेल लेती हूँ और आप सेक लें। मैंने कहा कि चलो तो जल्दी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भाभी बेलने बैठ गई हैं पराठे को। तो हमारे यहाँ एक जैसा डिनर कभी भी नहीं बनता है क्योंकि बच्चियाँ भी नहीं खाती और मुझे भी खाना बहुत एक जैसा पसंद नहीं आता। तो कुछ ना कुछ खाने में अलग अलग हम जरूर ट्राई करते हैं। तो लंच टाइम में तो मेरे हस्बैंड नहीं होते हैं तो वो टिफिन बॉक्स लेके जाते हैं, तो रात में हम कुछ ना कुछ नया नया ट्राई जरूर करते हैं। यहाँ पे गेहूं का आटा थोड़ा ज़्यादा पेड़ा इसका बड़ा लेना है क्योंकि अंदर आलू की फिलिंग भरी हुई है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं सेक लूँगी देखिए पराठे, और आप चाहे तो इसमें बटर भी यूज़ करते हैं लेकिन मैं बटर और घी थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जो मेरी जो लड़कियाँ है वो भी बटर और घी वाला ज़्यादा नहीं लेती और मैं भी नहीं लेती हूँ। मैं इन पराठों को ऑयल में ही सेक लूँगी। तो पराठे के साथ पंजाबी अचार है, लहसुन की चटनी है, दही इसके साथ हम लेते हैं, और आफरीन तो इसको टमाटो केचप के साथ भी खाते हैं। इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं टमाटो केचप के साथ। और बच्चियों को खाने बिठा दिया है, हम बोले कि हम बनाते जाएंगे और आप गरम गरम खाते जाएं तो अच्छा लगेगा। पराठे जब ठंडे हो जाए तो अच्छे नहीं लगते, गरम गरम ही खाने में अच्छे लगते हैं। तो ऐसे तो मैं मूली के पराठे बनाती हूँ, गोभी के पराठे भी बनाती हूँ। आपसे कभी शेयर नहीं किए, कभी इंशाल्लाह ताला जो मुझे आगे बनाने होते आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ज़्यादातर तो हमारे यहाँ आलू के पराठे ही सब पसंद करते हैं, और मेथी के थेपले भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सब। तो हम लेडीज़ के लिए तो एक चैलेंज होता है, एक टास्क होता है रोज़ कुछ नया नया बनाने का, क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो तो सबको पूछते हैं कि क्या खाना है, तो सबकी फरमाइश अलग अलग होती है। किसी को ये पसंद नहीं है, किसी को वो पसंद नहीं, तो सबकी पसंद का ख्याल रख के खाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम जब सेके तो ऑयल डालें तो गैस की फ्लेम थोड़ी कम कर देंगे, तो हमारे जो पराठे वो क्रिस्पी अच्छे तैयार होंगे। और जो इसमें हमने मेथी डाली है ना कसूरी, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और रोटी है, पराठे हैं, वही सब हमारे घर में ज़्यादातर खाते हैं, और राइस बहुत कम हमारे घर में खाते हैं, राइस हम बहुत कम लेते हैं खाने में। जब मटन है चिकन है बनाते हैं तभी हम ज़्यादातर राइस बनाते हैं। तो देखिए हमारे पराठे इस तरह कंप्लीट हो गई और सब साथ में इंजॉय करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरी मम्मा के घर में गई हुई थी तो यहाँ मिली की क्रीम मैंने थोड़ी सी उतार ली है। तो मिली यहाँ पे दूध पी रही थी छत पे, तो मैंने थोड़ी सी क्रीम इसकी बना ली थी। तो देखिए यहाँ पे बहुत कमज़ोर हो गई है मिली, इसका इतना ख्याल रखते हैं, उसे खाना पीना सब भी देते हैं लेकिन अभी वो बहुत ही कमज़ोर हो गई है। और इसके 3 बच्चे हैं तो बड़े हो गए हैं, तो वो अभी बाहर चले जाते हैं। तो देखिए वो तो यहाँ पर ही रहती है, और आप देखिए इन्हें मलाई खिला रहे हैं, और भाई इनके लिए सब खाना लाते हैं मटन वगैरह, फिर भी अब मालूम नहीं मलाई खिलाते हैं, दूध भी इन्हें देते हैं, फिर भी ये बहुत ही कमज़ोर होती जा रही है। आई होप कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए इसी के साथ मैं यहाँ पे ब्लॉग का एंड करती हूँ, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दुआ में खास याद रखना और एक लाइक ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।